बाबा जैसे मुझे भी बोला है कि ये रूहानी गवर्नमेंट है, ये सबको अलग अलग ग्रुप में कर देगी, स्पष्ट रूप से 8 राजधानियां दिखाई देंगी। कैसे? ये आपने गलत बोला। जहाँ रूहानी गवर्नमेंट होगी वहाँ कंट्रोल किसका होगा? बाप का। रूहानी बाप। रूहानी बाप का कंट्रोल होगा या अलग अलग कंट्रोलर होंगे? एक का ही होगा, एक का कंट्रोल होगा। और जहाँ रूहानी गवर्नमेंट कहेंगे वहाँ कंट्रोल एक का। रूहानियत की स्टेज वालों के ऊपर होगा या जो दे अहमान वाले हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल होगा? स्टेज में टिके होंगे। हाँ, तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे? जहाँ रूहानियत होती है वहाँ प्योरिटी होती है, और जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है या नहीं होती है? तो फिर अलग अलग कैसे हो जाएंगे? इसलिए प्रश्न को थोड़ा सुधार लीजिए। फिर तो पूछिए। बोले में बोला हुआ बाबा, ये रूहानी गवर्नमेंट है। हाँ जी। ये सबको अलग अलग ग्रुप में कर देगी। रूहानी नहीं कर देगी, ऐसा बाकी नहीं हो सकता है। रूहानी गवर्नमेंट अलग अलग कर देगी, लेकिन रूहानी गवर्नमेंट ये साबित कर देगी ब्राह्मण की दुनिया में भी कि इसमें सब एक जैसे आत्मिक स्थिति वाले हैं ही नहीं। क्या अलग अलग है? और जो अलग अलग है उनकी रूहानियत की स्टेज में अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। उन्होंने एक बाप को पहचाना नहीं है। अगर एक बाप को पहचानेंगे तो जो अलग अलग ग्रुप है उनके मुखिया अलग अलग होंगे कि एक होगा? और अलग अलग मुखिया हैं तो सारे ही कच्चा होंगे या एक ही कच्चा होगा? तो सच्चा होगा वो ग्रुप ये साबित कर देगा कि ये सब रूहानियत की स्टेज वाले नहीं है, ये द्वैत पैदा करने वाले, दो दो बाप बनाने वाले हैं। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। जो कन्वर्ट होने वाले होंगे वो एक सत्य बाप को पहचान करके भी भूल जाएंगे, क्योंकि द्वापर के आज में तो सब एक बार बाप वाले देवताएं थे या अनेक बाप वाले थे? एक ही सनातन धर्म का एक ही स्थापन करने वाला था। बाद में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताए आए तो उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। जब उनकी बातों से प्रभावित होने लगे तो प्रभावित बने प्रजा, उनकी प्रजा बनने लगी। और जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो द्वैत बात तो हो गया। देवताएं होते हैं अद्वैत, और द्वापर तो होता है, नाम भी पड़ता है द्वापुर, इसलिए दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो बाप हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, कंट्रोल करने वाले भी दो दो हो जाते हैं। अभी क्या हूं मैं? अभी तो एक बाप की सत्ता साबित होगी सारी दुनिया में, लेकिन इससे पहले अलग अलग सत्ताएं भी साबित होनी चाहिए ताकि पता चले कि माला में भी नौ ग्रुप कौन कौन से हैं। ऊपर नीचे वाले सब ऊंची स्टेज वाले हैं या एक ही ग्रुप ऊंची स्टेज वाला होगा? एक ही ग्रुप ऊंची स्टेज वाला होगा और बाकी सब ऊंची स्टेज वाले होंगे। एक ग्रुप जो है वो सबसे पावरफुल होगा और बाकी सब कम पावर वाले होंगे। ऐसे ही भक्ति मार्ग में मानते हैं कि जब दुनिया का विनाश होगा तो नौ ग्रह आपस में टकराएंगे, नौ ग्रह टकराएंगे तो कोई बचेगा या नहीं बचेगा? सब टूट फूट के बराबर हो जाएंगे, कौन सा बचेगा? है ग्रह की बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है। सूर्य कहो वो तो हुआ ज्ञान सूर्य, जो रोशनी ही रोशनी है सिर्फ,
ज्ञान आदमी का बोला है, लेकिन वो बृहस्पति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य तो नक्षत्र है, ग्रह नहीं है। वो प्रवेश करता है घरगस्त जीवन बिताने वालों में, उनमें जो अव्वल नंबर गृहस्थी है उसका नाम है बृहस्पति। तो जो सबसे बड़ा है वो रह जाएगा, या छोटे मोटे भी रह जाएंगे, है तो बड़े का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और जो बाकी छोटे मोटे हैं वो सब टकरा टकरा के खराब हो जाएगा। अभी भी देखने में आएगा कि जो बेहद का बृहस्पति होगा वो संगठन लगातार बढ़ता जाएगा या छोटा हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। बाकी दूसरे छोटी छोटी छोटे मोटे ग्रह उपग्रह हैं, बड़ी देरी से आए हैं। इस बार आप बड़ी देरी से आए। अब आज के 8 साल पहले अज्ञातवाणी में बाबा ने बोला था, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं और दुनिया वालों के नजरों से गुप्त हो रहे हो गए हैं। बोला था। तो दुनिया वाले माने अज्ञानी और बच्चे माने ज्ञानी, बाप को पहचानने वाले ज्ञानी। तो जो ज्ञानी बच्चे हैं जिनकी माला संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है, जिस माला को हर धर्म के लोग करते हैं, वो माला बननी है या नहीं बननी? बननी है। तो जब वो माला बननी है नंबर वार, 8 की भी बननी है, 108 की भी बननी है, 16108 की भी बननी है और प्रत्यक्ष होनी है ना? और 1 लाख जो रुद्र यज्ञ रखते हैं, कालिग्राम बनाए जाते हैं, वो माला भी प्रत्यक्ष होगी, और फिर 9 लाख सितारों वाली माला वो भी प्रत्यक्ष होगी। तो जब मालाएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं तो बच्चे नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या सारे इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? नंबरवार। बच्चों की संख्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बच्चों की आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला की माला बनेगी या देवान में आने वालों की माला बनेगी? उनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। तो जिनकी संख्या घटती जाएगी और जिनकी संख्या अज्ञानियों की बढ़ती जा रहेगी, उन अज्ञानियों के सामने बाप ओझल होता जाएगा या प्रत्यक्ष रहेगा? ओझल होता जाएगा। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। अंत में करते 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 8 ही रह जाएंगे जिनके सामने बाप प्रत्यक्ष रहेगा और बाकी नजरों के सामने बाप ओझल हो जाएंगे। तो अभी मिनी मधुबनों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे या चक्कर न काटने से भी काम चल जाएगा? मिनी मधुबनों की संख्या बढ़ रही है तो चक्कर लंबा चौड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? बड़ा चक्कर हो जाएगा। तो मिलना जुलना कम होगा या जाती होगा? कम होता जाएगा। मिलना जुलना कम होता जाएगा तो ज्ञान की बरसात कम महसूस होगी या ज्यादा महसूस होगी? ज्ञान की बरसात कम महसूस होती जाएगी। जब ज्ञान की बरसात कम होती जाएगी तो अकाल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? अकाल बढ़ता जाएगा। अकाल जब बढ़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी बहुतों को और अन्न का
दाना भी नहीं मिलेगा। हमारा अंत कौन सा है? याद, याद, जिससे खुशी आती है। और हमारा पानी की बूंद कौन सी है? ज्ञान। ज्ञान, तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कम होता जाएगा और याद की खुशी भी कम होती जाएगी। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी ने, अभी भी बोल दिया, इस साल भी बोल दिया, पिछले साल भी बोल दिया, बाप बच्चों से अलग नहीं रह सकता और बच्चे बाप से जुदाई का पर्दा डाल करके नहीं रह सकते। तो अपनी स्टेज ऐसी बनानी है क्या कि बाबा सदैव हमारे साथ महसूस हो, हमारी आत्मा को ये महसूस ही न होने दें कि बाबा हमसे जुदा है। आत्मीयता हमारी बढ़ती जाए बाप के प्रति, जुदाई का पर्दा डालते हुए अनुभव हमको नहीं होना चाहिए कि दूर हो गया। सर्विसिंग बच्चों के नजदीक होता है बाबा या दूर होता है? नजदीक होता है। बाबा कौन से बच्चों को याद करता है? सर्विसिंग बच्चों को याद करता है। तो सर्विस के फील्ड में जो लगातार अपने को हाजिर रखेंगे, बाबा उनको साथ ही महसूस होगा या दूर महसूस होगा? साथ। इसलिए हम अपने को चेंज करें क्या? अभी टाइम ऐसा, देखो जब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तब से मैं बोलना शुरू कर दिया, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो। अभी कितने साल हो गए हैं? 32 और 8, 40 साल हो गए हम अव्यक्त बनते जा रहे हैं या साकार को, साकार के बिना नहीं रह सकने वाले बनते जा रहे हैं। अब ऐसी स्टेज होती जा रही है मोस्टली बच्चों की कि साकार के बिना तल्खीलापन महसूस होता है जो नहीं होना चाहिए, चाहे पास हो चाहे दूर हो, ज्ञानों में समाये रहते हैं। हाँ, लेकिन हम तो बाबा के नजदीक ही हैं, बेसिक में तो जीत गाए हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया, किया नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल, यहाँ तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, यहाँ हमको रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? बाप हमारे सदैव नजदीक है, हम बाप से दूर नहीं रह सकते। जहाँ हमारा तन होगा हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो हम ये अपने को चेक करें कि वर्तमान जीवन में हम अपना तन की ताकत और धन की ताकत और मन की कहाँ लगा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये चेक करें कि हमारी धन की ताकत और तन की ताकत कहाँ लग रही है। अगर ईश्वरीय सेवा में लग रही है तो हम नजदीक ही अनुभव करेंगे, और कहीं आसुरी सेवा में लग रही है तो दूर होते जाते हैं। ब्रह्मा पाक है तम आपको पाठ पढ़ने को मैं है ब्रह्मा पाक, ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा का पाठ कब खत्म हो रहे हैं? ब्रह्मा बाप का पाठ कब खत्म हो ब्रह्मा बाप? हाँ ब्रह्मा की आत्मा को चंद्रमा कहते हैं, है? चंद्रमा संपूर्ण, चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, और जिस दिन पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है उस दिन की ये विशेषता है कि जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक चंद्रमा अस्त नहीं होगा। क्या दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए, चंद्रमा अस्त होगा तो सूर्य उदय होगा, दोनों अरस्पर हैं। तो प्रश्न का जवाब मिल गया।
कब हो? अभी आपको इतना ज्ञान सुनाया गया, उसे ये पता नहीं चला कि ज्ञान सूर्य प्रकट कब होगा? टाइम निश्चित नहीं कर दिया क्या? बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा? बच्चे के साथ। अपर नंबर बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। कृष्ण बच्चा तो बताया नहीं आपको? 18 बताया जी। अभी डेट का पता नहीं, पर डेट नहीं बताई जाती। शिवरात्रि की डेट नहीं होती है। बाप के पास तो होगी, बता दिया ना। डेट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है। ये टाइम है जब संसार में ज्ञान सूर्य प्रगटा, और जो अज्ञान अंधेर है, अंधेर मचाने वाले हैं, अंधेरा फैलाने वाले हैं, जिनके अंदर ये वासना बैठी हुई है, अंधेरा कायम रहेगा। क्या हम ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे? वो नष्ट हो जाएगा। अब तो अवंत का पता नहीं चला आपको? डेट नहीं बताई जाती है, तो अज्ञानता की बात है। न विनाश की डेट बताई जाती है, न बाप के जन्म की डेट बताई जाती है, न बच्चों का। हाँ, भाई भाई जी का बात पूछो। ब्रह्मा बाप ने छोड़ने की डेट बोला, तो बाप गुजरात दादी ने कब छोड़ी? गुजरात दादी में चंद्रमा प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो जो चंद्रमा प्रत्यक्ष हो रहा है वो अधूरा है या संपूर्ण मोह वाला है या निर्मोही है? मोह वाला है। जब निर्मोही बन जाएगा एक बाप दूसरा न कोई, जब ऐसी स्टेज ब्रह्मा पकड़ लेगा तो उस समय गुलजार दादी में जाना बाबा जी बोल रहे कब फिक्स कर दी? फिर वही डेट की बात। डेट तो मुरली में बता दिया, डेट यहाँ फिक्स नहीं होती है। प्रश्न यही पूछ रहा तो गलत बात है। ज्ञान मार्ग में बाप की प्रत्यक्षता नहीं, और दुनिया के विनाश होने की आखिरी डेट, हाँ यही बात वो कभी भी पहले से नहीं बताई जाती। तो महाकाली है, महाकाली कब होगी? हाँ, महाकाली जो है वो महाकाल के साथ महाकाली है। क्या? और महाकाली जब आखिरी देवी का पार्ट शुरू होता है तो महाकाली का पार्ट कहा जाता है, कालरात्रि कहते हैं। वो सबको सुनाई देने वाली है, सबके देहाभिमान की गर्दन काटने वाली है, या कोई को छोड़ देगी? सबकी काटेगी है, सबकी काटेगी। जितने भी ब्राह्मण जो दुनिया में अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनमें 8 को छोड़ करके बाकी सब की देह अभिमान की गर्दन कटनी जरूर है। सबको अनिश्चय आना जरूर है। तो शुरुआत पहले करेगी बाप की प्रत्यक्षता से पहले या बाद में करेगी? पहले करेगी। कौन से साल में करेगी? पांडवों के 13-14 साल और राम के 14 साल का वनवास कब पूरा होता है? 12 कैसे? 98 शुरुआत है। बाप 98 में गुप्त शुरू हो गए। बाप गुप्त हो गया जंगल में, 8 के जंगल में खो गया। तो जो गुप्त हो गया, कब से गुप्त हो गया? अधिकवाणी में बोला ना, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से भोजन हो गए। तो कब से हो गए? 98 तब से लेकर के 14 साल ऐड कर लू, कब पूर्ति होती है? है? है?
बाबा ये जो बताया गया है कि बाप आकर पाप में भी पाप बढ़ाने का रहम करने आए, इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दो। पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है? वो तो मुझे बता दिया ना, क्या है पाप है? अरे सबसे बड़ा पाप क्या है? देवान। देवान उस देवान का रिजल्ट है। देवान कोई एक विकार के रूप में थोड़ी आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों में तो देवान घुसा हुआ है। देवान तो बीज है, पापों का बीज है देवान, विकारों का बीज है देवान, देवान। लेकिन जो बड़े से बड़ा पाप है वो कौन सा है? काम, काम विकार में है ना। तो जो काम विकार में जाने वाली बात है, वो काम विकार में जाने वाली बात का रहस्य है, खुल गया है या गुप्त है? क्या कहें, शंकर ने विष पिया, इसका रहस्य क्या है? चित्र दिखाते हैं तो चरित्र देखने में आया होगा कि नहीं आया होगा? चरित्र देखने में आया होगा तो विष पात्र दिखा दिया। जो विष पात्र दिखाया है उससे ये साबित हो गया कि शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसने विष पान किया, लेकिन उसका असर मन बुद्धि के ऊपर नहीं हुआ। और दुनिया के लिए तो ये गाय नहीं है, नहीं है। तो दुनिया इस बात में मुगालते में आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो आ रही है। ये आपकी बात का अपने ब्राह्मण परिवार के लिए है या लौकिक दुनिया में? ब्राह्मण परिवार के लिए ज्ञान की हर बात लागू होगी या बाहर की दुनिया के लिए लागू होगी? ब्राह्मण परिवार के लिए। पहले तो हर बात ब्राह्मण परिवार के लिए लागू होनी चाहिए। माया का अंतिम बाबा ये जो कहा गया है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे, इसका क्लेरिफिकेशन क्या है? अभी ऐसे बहुत से बीमार लोग देखे हैं जो ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़ते, बल शरीर कितना भी बीमार होता जाए तो भी उनकी सेवा चालू रहती है या रुक जाती है? चालू रहती है। और कोई ऐसे हैं थोड़ी सी बीमारी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी शरीर में कमजोरी आ जाती है तो सब छोड़ खा के बैठ जाते हैं। ये क्या है? शरीर सरना है। ये क्या है? आत्मा मजबूत शरीर सरना। आत्मा पावरफुल है और शरीर बल कमजोर हो। जैसे कोई भूत प्रवेश करता है किसी रुंजुम पुंजुम आदमी में या औरत में तो वो कितना ताकतवर होता है, उसकी ताकत से पता लगता है कम ताकतवर है ये ज्यादा ताकतवर है। कई इकट्ठे होकर के उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये पावर कहाँ से आई, किसकी पावर है? देह की पावर है? देह की पावर तो नहीं है, देह तो रंजन कुंजन है। किसने कंट्रोल किया? आत्मा ने कंट्रोल किया। तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर भल कितना भी कमजोर हो जाए, रोगी हो जाए, लेकिन बाप दादा जिस बच्चे से अपना काम कराना होगा करा ही देंगे। कैसा ही लुंजम पुंजम शरीर क्यों हो, जैसे बूढ़ियों के लिए बोला है, बूढ़ियां जब ईश्वरीय सेवा में कूद पड़ेंगी तो उनको पंख लग जाएंगे सेवा की, उड़ेंगी, उनको अनुभव ही नहीं होगा कि हमारा शरीर बूढ़ा है, ताकत आ जाएगी। और इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात सुनी कि नहीं सुनी? एडवांस पार्टी में तीन प्रकार के ग्रुप है। इंस्पिरेटिंग पार्टी वो कौन है? जो ब्राह्मणों में बेसिक में शरीर छोड़ते जा रहे हैं
जिन्होंने पूरा एडवांस ज्ञान धारण नहीं किया है, बाप को नहीं पहचाना है, वो आत्माएं इन पहचानने वाले एडवांस वालों में प्रवेश कर रही है। और प्रवेश करके जब उनकी बुद्धि में संग के रंग से ज्ञान बैठता है तो वो इंस्पिरेटर का काम करती है, इंस्पिरेट करती है या डाउन करती है, उमंग उत्साह देती है। तो वो आत्माएं अभी उमंग दे रही, उत्साह दे रही है। जैसे हनुमान को दिखाते हैं राम सीता को कंधों पर बैठा के कहां कर क्या कर रहा है, राम लक्ष्मण को उड़ा रहा है, उड़ा आके ऊंची स्टेज में लेके जा रहा है। तो शरीर सड़ते जा रहे हैं, आत्मा की पावर सबको नजर आएगी, ये पावर होने। उन्होंने मुरली में बोला कि ये पोप बड़े से बड़ा कसाई है, ढेर की ढेर बकरियों का कत्लेआम करवाता है। ये शादियाँ नहीं करवाते? हाँ, आपके हिंदुस्तान में ये सामूहिक की शादियाँ क्रिश्चियन करवा रहे हैं गिरजाघरों में ले जा करके, ढेर सारे हिंदुओं लड़कियों की लड़कों की, ये दिखाई नहीं पड़ता आपको? सबसे बड़ी ये भेड़ बकरियाँ हैं या शेर हैं? भेड़ बकरियाँ हैं। उनका कान जैसे पकड़ लो, कान में जो बात सुना दो, वचन मारा। भेड़ बकरी का कान जो है वो लंबा होता है, बड़ा होता है, आराम से पकड़ा जाता है, आराम से पकड़ा भी जाता है। उल्टी पट्टी बातें सुना करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा लोभ दिखा देते हैं। इसकी भी शुरुआत ब्राह्मण यहाँ हो रही है, यही होती है, यही होती है, यहाँ शूटिंग नहीं हो रही है। यहाँ कन्वर्ट होने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आगे चल के कन्वर्ट होने वालों की संख्या खूब बढ़ेगी, उनमें भी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनका ग्रुप सबसे बड़ा देखने में आ गया। बाबा राम वाली आत्मा को सतयुग में जो बाकी 8 जन्म है वो उसका क्या रोल होगा? राधे कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के बाद है कि पहले जन्म की जो प्रारब्ध है ऊंच से ऊंच पद पाने वालों की वो ऊंच से ऊंच प्रारब्ध होती है, फिर अगले जन्म में वो प्रारब्ध गिरती जाएगी, रहेंगे राजा ही घराने में लेकिन उतना ऊंच पद नहीं रहेगा, पद नीचा होता जाएगा। त्रेता में फिर से एक बार फिर त्रेता में अंतिम जन्म में आने से पहले जो आत्मा सतयुग में आदि में राम राजा कही जाती है वो सतयुग के अंतिम जन्म में आते आते क्या बन जाती है? राम राजा, राम प्रजा बन में आ जाती है। लेकिन साहूकार प्रजा होती है, इतनी साहूकार राजा नहीं होती, राजा ही सारी खरीद ले। जैसे आज की गवर्नमेंट किसकी मुट्ठी में? जो पूंजीपति है उन पूंजीपतियों की मुट्ठी में है आज की गवर्नमेंट। देखा जाए तो ये राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन इनके हाथ में सत्ता नहीं है, डरते हैं कि अगर हम अपने तरीके से चलाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमको आउट कर देंगे ये लोग। बाबा ऐसा है कि भारत के अंदर 33 करोड़ देवता गाय हुए हैं जी, तो वो जो 33 करोड़ हैं तो देवता के अंतर तो 10 करोड़ ही वादी होगी। हाँ जी, तो जो बाकी 23 करोड़ आने वाले जो देवता हैं वो कन्वर्ट नहीं होने वाले होंगे क्योंकि आदिशनाथ नहीं है। देवता धर्म की आत्माएं ही कन्वर्ट होती है या दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होते हैं? देवता है 33 करोड़। 33 करोड़ में थोड़े से ऐसी आत्माएं हैं जो कन्वर्ट नहीं होती है आखिरी जन्म तक। आखिरी जन्म में तो सबको माया मिल जाती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन 84वें जन्म तक जो थोड़ा स्थिर रहते हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी स्थिति में रहने वालों की?
रुद्र की रखते हैं कितने ही पूजा करने के लिए शालिग्राम बनाते हैं, एक लाख कम से कम। तो वो एक लाख आत्माओं को छोड़कर बाकी सारे 33 करोड़ कन्वर्ट होने वालों की लिस्ट में है या स्थिर रहने वालों की लिस्ट में, सब कन्वर्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ की बात नहीं है, 10 करोड़ वालों में से भी ढेर के ढेर हैं जो कन्वर्ट होते ही हैं, लेकिन बाकी जो 22 करोड़ है द्वापर युग के ऊपर से उत्पत्ति वाली देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं, वो सब कन्वर्ट होती है। पूजन तो नहीं है उतना, गायन ही मात्र है या पूजन भी है? पूजन तो नहीं है, गायन मात्र है। आज के जो ये नेताएं होते हैं उनका भी गायन है, तो गायन उतना बड़ी बात नहीं है, गायन में नंबरवार होते हैं, लेकिन पूजन जो है वो बड़ी बात है। और परम नाम जो उतरने वाली आत्माएं हैं, परम नाम से नहीं उतरते हैं, सबको शंकर अंग नहीं लगता है। एक है ईश्वर, क्या एक शिव है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उस पर संघ का रंग नहीं लगता है, और बाकी तो सबके ऊपर शंकर रंग लगता है। जब राम राज शुरू होता है तो प्राणी दुनिया का कंट्रोल खत्म हो जाता है या प्राणी दुनिया की गवर्नमेंट काफी रहती है? नरक की दुनिया के बीच में तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, ये वाक्य क्या साबित करता है? जब यज्ञ के आज में सैंपल बना था स्वर्ग का, जड़ यादगार, वो अजमेर में अभी भी स्वर्ग की बनी हुई है, स्वर्ग का मॉडल। वो प्रैक्टिकल में संगम युग में हुआ था या नहीं हुआ था? कब हुआ था? शुरू में आदि में हुआ था। तो वो जड़ यादगार जो बनी 47 तक रही, 47 से शुरू हुई जड़ यादगार, वो जड़ यादगार चैतन्य आत्माओं के द्वारा बनाई गई होगी या जड़ तो वही बुद्धि वालों द्वारा बनाई गई होगी? नहीं, जड़ जो जड़ तो वही बुद्धि वाले हैं उन ब्राह्मणों के द्वारा वो यादगार बनाई गई। उन्होंने मुखिया कौन था? जगदम्बा मुखिया। जगदम्बा प्रकृति है ना, प्रकृति जड़ तो वही है या चैतन्य है? तो यादगार कैसा बनाएगी? जड़ तुम्हें यादगार बनाएगी। फिर बाद में नंबरवार और आते हैं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, तो कुमार का दादी ने जो माउंट आबू में यादगार बनाई, चलो दिखाना है, दिखाने के लिए ले जाते हैं ना। वो देखने में सिर्फ स्वर्ग आता है कि वास्तव में स्वर्ग होता है? देखने में स्वर्ग, सिर्फ दिखावती चीज है, स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग बड़ा होगा या स्वर्ग की शुरुआत छोटे से होगी? स्वर्ग तो बहुत छोटा होगा, एक ही पारिवारिक इकाई से स्वर्ग शुरू होता है। तो चैतन्य आत्माएं हैं ज्ञान में, उनके द्वारा शुरुआत होगी या जड़त्व ही बुद्धि वालों द्वारा शुरुआत होगी? चैतन्य, चैतन्य आत्माओं के द्वारा वो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। उसे नई दुनिया की सौगात बाप ने, बाप दादा ने बच्चों को दे दी है कि देंगे? दे दी है। माना उसे नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों का संगठन अभी बन रहा है। फाउंडेशन जो है वो अंदर गहराई में डाला जाता है या ऊपर होता है? गहराई। आजकल जो मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सन सिटी बन रहे हैं, क्या नाम दिया? सन सिटी माना सूर्य का शहर, सूर्य का शहर। तो हद के सूर्य शहर की बात है,
यह बेहद के सूर्य का शहर भी बन रहा है, बेहद के सूर्यवंशियों का शहर भी तैयार हो रहा है। और जब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो चारों तरफ से परकोटा खींच देते हैं ताकि कोई देख न पाए, गुप्त फाउंडेशन डालते हैं, यह सबको देखने योग्य का फाउंडेशन होता है, गुप्त होता है। तो ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में वो नई दुनिया का जो फाउंडेशन है वो गुप्त रूप में पड़ रहा है। नई दुनिया नहीं बन रही है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। तुम बच्चों का आना जाना उसमें होता है, वो बच्चे बाप से अलग नहीं रह सकते बाप दादा से, और बाप दादा उन बच्चों से अलग नहीं रह सकता, ऐसे बोला हुआ है। तो वो चैतन्य आत्माएं होंगी, चैतन्य बुद्धि वाली, चित्त शक्ति वाली, या जड़त्वी बुद्धि वाली होंगी जो बाप को पहचान करके भूल जाए, चैतन्य शक्ति वाली आत्माएं होंगी, जगदम्बा की तरह पहचान करके और सारा कार्य करके फाउंडेशन डाल करके ढेरों को सरेंडर करके और करा के बाप को भूलने वाली नहीं होंगी। जब नई दुनिया दिखने लगेगी तो पुरानी दुनिया वाले उनको तो अटैक करेंगे, अभी अटैक नहीं कर रहे हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो पुरानी दुनिया में जाने वाले हैं, पुरानी दुनिया में कन्वर्ट होने वाले हैं, चाहे बेसिक के हैं चाहे एडवांस के हैं, अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, अभी भी अटैक कर रहे हैं, आगे चल के वो हमला और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही अटैक कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का ये हाल है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो अधूरी नॉलेज लेने वाले बेसिक के ब्राह्मण हैं, वो बाहर की दुनिया वालों से कनेक्शन कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, बड़े बड़े धर्माधीशों और बड़े बड़े राज्याधीशों से उनका पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उनको उन्होंने फेवर में लिया हुआ, तो वो साथ मिलकर के उधर एक हो जाएंगे, क्या सब मिलकर एक हो जाएंगे, तो वो हमलावरों का हुजूम बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, वो बाहुबल वाले तो ये नई दुनिया वाले कहाँ रहेंगे, हमारे के अभी कहाँ रहते हैं, अभी भी तो मुख्य बर है, तो इनको उनका खा जाएंगे पांच पांडवों को, जो कौरव सारी दुनिया कौरव और यादव संप्रदाय थी वो खा गई थी क्या, नहीं खुद ही मारी गई थी, कांटों के जंगल में भी गुप्त रूप में रहे तो शेष तो रहेगी नहीं, रहे तो खा गए आपस में लड़ते हैं, पांडव आपस में लड़ रहे और यादव आपस में लड़ रहे, आपस में लड़ रहे, हाँ तो वो उनमें फूट पड़ी हुई है, भले कितना भी बड़ा हुजूम संगठन देखने में आवे, बाप के बच्चे तो एक सूत्र में बंधे हुए होंगे या अलग अलग संगठनों में बिखरे हुए होंगे, एक तो एक सूत्र में बंधे हुए हैं और अंत तक बंध करके ही रहेंगे और सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध करके छोड़ेंगे। बड़े से बड़ी रुद्रमाला कितने की होती है, रुद्रमाला 108 की, 8 की, और बड़े से बड़ी रुद्रमाला 500 करोड़ की, 500 करोड़ की ये जो दुनिया है वो एक बाप को मानने के लिए मजबूर होगी या नहीं होगी, तो एक संगठन हो जाएगा ना बाबा, जैसे सतयुगी कृष्ण जो है उसके 21 जन्म गिने हैं, 8 जन्म सतयुग के और 13 जन्म, 21 जन्म नहीं गिने हैं सतयुग में, 13 मिला, 13 के 13 गिने हैं, हाँ जी, हाँ तो 21 हो गए, हाँ जी, तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके 21 जन्म की तरह से कैसे गिने, ये संगम युग में उनका खुशी का जमाना नहीं मिलेगा, स्वर्णिम सतयुग उनके मुकाबले चंद्रवंशियों का सुख कम है, श्रेष्ठ होगा या कम होगा, कम होगा, जो चंद्रवंशी विजय माला निकलेगी उसको अधीन रहना पड़ेगा सूर्यवंशियों के, या अधिकारी बनकर के रहेंगे,
फिर भी आदि मन करके रहना पड़ेगा, क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है। उनको रास्ता बताने वाले फिर भी सूर्यवंशी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ऊंचे से ऊंचा कुल कौन सा है? देवता कुल ऊंचा है, क्षत्रिय कुल ऊंचा है, या ब्राह्मणों का कुल ऊंचा है? ब्राह्मणों का कुल ऊंचा है। लेकिन ब्राह्मण वही कहे जाएंगे संपूर्ण, जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल न चला रहे, सेवा करें अंत तक, क्या सेवाधारी बनकर के रहे, लेकिन ताजधारी बनकर के नहीं रह सकते। अगर दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाएंगे, ताज पहनेंगे, ताज दिखाएंगे कि देखो हम इतने बड़े गद्दी नसीन हैं, तो ऊंचे नहीं बनेंगे। बाकी सुख उनका सचिव के पहले जन्म के देवताओं से भी ज्यादा होगा। क्यों? तो आज इनको मिलना ही पड़ा है, इनको पूछता तो नहीं। अभी अभी चाहिए आपको पढ़ाई कर जब आप ये प्रश्न तब कर रहे हैं जब आपको पढ़ाई कर जब, तो कब चाहिए? अभी चाहिए। अभी चाहिए, सारी पढ़ाई पढ़ा दी बोलने में। वो ही प्रश्न बना रहा है, अभी ले लेंगे तो भविष्य में क्या लेंगे? हमारी पढ़ाई तो भविष्य के लिए है। ताजमहल तो वो लेंगे जो आगे नहीं लेंगे। और ये सोच रहे हैं हमारे सफेद बाल हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं मिला मिला न मिला, अभी बन जाए तो ज्यादा ठीक है। ये जो विजय माला के आह्वान के लिए कहा गया है, हाँ जी, कैसे आह्वान करना था? शहद की मक्खियों को कोई अपने घर में ला करके पालता है, लाता है, तो कैसे लाता है? सारे झुंड को पकड़ करके मुट्ठी में ले आता है, नहीं लाता? क्या करता है? एक रानी मक्खी को लाया और छत्ता बना के उसमें रख दिया, बाकी सब उसके पीछे पीछे अपने आप ही आ जाती। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उसका क्या प्रोसेस क्या है? विजय वाला की हेड कौन है? तो आवाहन किसका करना है? सबका इकट्ठा आवाहन करना है, सब आगे इकट्ठी हो जाएंगी कि आगे पीछे आएंगी? योग के द्वारा होगा। योग नहीं, हम उससे योग नहीं लगाएंगे, योग तो शिव बाबा से लगाएंगे, लेकिन जिसकी सेवा करनी होती है, जिसका आवाहन करना होता है, उसको सर्च लाइट दी जाती है बाबा की याद में रहकर। सर्च लाइट देंगे तो आत्मा खींच होगी। ये एक्सपेरिमेंट तो बाकी जगह भी लागू होगा है? ये एक्सपेरिमेंट बाकी जगह भी लागू होगा, सभी के लिए ऊपर लागू होगा। रुद्रमाला में एडवांस पार्टी में जो भी है, उनमें जो भी सूर्यवंशी हैं, वो आवाहन करने के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, सब बनेंगे, कोई आगे बनेंगे, कोई बाद में, कोई पीछे बनेंगे। उनके लगाव अगर दूसरी तरफ लगे हुए हैं, दूसरे देहधारियों में, तो उतने वो कार्य नहीं कर पाएंगे आवाहन करने का। अगर लगाव खत्म हो रहे हैं तो काम, तो जो बाबा ने बोला है वही कार्य करने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं पूरे समय संगम पर नहीं रहता हूँ, और उनका मुकर रथ है जिसको हुसैन का रथ कहा जाता है, तो इसलिए रुद्रमाला का एक ही मणका है कि 108 माला के मणके हैं, है? तो आठ जो माला के मणके हैं जिनमें मुख दिखाई जाते हैं, तो मुख
तो रुद्राक्ष के मुख किस बात की यादगार है? भगवान ने उनका मुख लिया है तो मुख लेने की यादगार है। तो एक मुख में प्रवेश करेंगे या 108 मुख में इकट्ठे प्रवेश करेंगे? एक मुख के द्वारा प्रवेश करके सर्वे कराएंगे, दूसरे में सर्वे कराएंगे, तीसरे में कराएंगे। सर्वे तो बच्चों के द्वारा होगी, लेकिन एक मन का ऐसा है जो एक ही मुख वाला है और मन के एक मुख वाले नहीं। इसलिए एक के ऊपर सदैव ध्यान रखा जाए और बाकी के ऊपर दूसरे ने प्रवेश करके मुख ले लिया तो बाबा वहां मौजूद रहेगा, हट जाएगा, हट जाएगा। तो एक मुकर है और बाकी सब टेम्परेरी, बाकी सब टेम्परेरी। कोई कह भी नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है, और कहे तो जो अपर लंबर है वो भी नहीं कह सकता क्या कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। लेकिन चलन से, चेहरे से, दृष्टि से प्रत्यक्ष हो जाएगा, कार्य व्यवहार से प्रत्यक्ष हो जाएगा, ज्ञान की दृष्टि से बच्चे पहचान सकते हैं उसे। औरों को पहचान नहीं जा सकता कि इसमें शिव बाबा है अथवा नहीं। नहीं हुसैन का रथ तो घोड़ा भी का है। हाँ तो मन रूपी घोड़ा नहीं है। बाबा बाबा कहते हैं तुम पार्वतियों हो, सीताएं हो, तो राधा के लिए क्यों नहीं बोलते राधाएं? राधाएं अनेक होती है कि राधा एक ही होती है? राधा नाम क्यों पड़ा? कोई कारण होगा कि ऐसे ही नाम पड़ गया है? कोई कारण होगा, क्या नाम, क्या कारण है वो जो राधा का ही राधा नाम पड़ा? औरों को राधा है नहीं कहा जा सकता, क्या कारण है? राधा ही क्यों होती है, और भी हो जाए? राधा एक ही है। एक ही क्यों हो? सीताएं जैसे अनेक हैं, पार्वतियां अनेक हैं, द्रौपदियां अनेक हैं, तुम सब द्रौपदियां हो, पार्वतियां हो, तो राधाएं क्यों नहीं कहा तुम सब राधाएं? कैसा पुरुषार्थ? हाँ ऐसा भी पुरुषार्थ है, राम माने राम, धा माने धारण करने वाला, राम को जितने अपने जीवन में पक्का पक्का 100% धारण कर लिया, और ऐसा धारण कर लिया जिसमें 1% भी दूसरे को प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं है ही नहीं, ऐसी पवित्रता को पालन करने वाली वो एक ही राधा है। नहीं तो कोई इधर चिपकता है, कोई उधर चिपकता है, कोई कहीं चिपकता है, बुद्धियां चिपकती रहती है, देह चिपकती रहती है, तो फिर एक को धारण करने वाले कहेंगे नहीं। ये बात ओमराजे मम्मा के ऊपर लागू नहीं, ओमराजे मम्मा का शरीर है, शरीरधारी का नाम पड़ता है कि जिसका शरीर ही नहीं है उसका नाम पड़ता है शरीरधारी का नाम पड़ता है, आत्मा के नाम थोड़ी पड़ता है। और राधा का गुण जो है राम को ही धारण करना है, और कोई व्यक्तित्व को धारण बुद्धि में नहीं करना है। ये गुण धारण करने वालों में नंबर वार होंगे या एक जैसे होंगे? सात नंबर वार। जितना ही नंबर राधा जैसा नजदीक धारण करने में उतना ही जन्म जन्मांतर का सुखी हुआ, और जितना ही जुदा होता जाएगा। राम को धारण करने के अलावा अनेकों को धारण करने वाली बुद्धि बनती जाएगी तो उतना ही जन्म जन्मांतर का दुख होता जाएगा। इसलिए मुरली ने बोला सबसे जाति दुखी होती है वैश्याएं। वैश्याएं एक के साथ संबंध जोड़ती हैं
कि अनेकों के साथ बुद्धि का संबंध जोड़ती है, तन का संबंध जोड़ती है, अनेकों के साथ जोड़ती है। इसलिए सबसे जास्ती दुख वैश्याओं को होता है। इन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है। ये जो मुर्गियाँ आपके पास हैं, ये मुर्गियाँ मेरे पास, जो मुर्गियाँ आपके पास नहीं है, ये इनकी जो ट्रू कॉपी जो है, है? इसकी जो ट्रू कॉपी है, ट्रू कॉपी माने दूसरी कॉपी, फोटो कॉपी, इसकी कॉपी मिल सकती है, फोटो कॉपी कहीं की फोटो कॉपी, जो मुर्गियाँ हम सीढ़ी में सुनते हैं, इंटरनेट में, इंटरनेट और कंप्यूटर में आ रही है ना वो सब, कॉपी वो काफी ही जो आ रही है, और क्या आ रहा है, जो मुख से बोला हुआ है वो आवाज भी आ रही है, वो ट्रू कॉपी नहीं है। टैप रिकॉर्ड तो वो ही सुनाएगा जो ओरिजिनल में बोला गया है। कागज की मुर्गी है, पेपर मुर्गी, तो कंप्यूटर से कागज भी निकाल लो, प्रिंटर द्वारा, कंप्यूटर नहीं होगा ना, है? इसलिए पूछे कंप्यूटर नहीं है, नहीं है कि क्या बात है, आदमी सारा सुख साधन इकट्ठा कर सकता है, पूरा बड़ा मकान बना सकता है, तो छोटा सा कंप्यूटर आज तो कंप्यूटर सस्ते हो गए, कंप्यूटर हमें क्या बड़ी बात है, कंप्यूटर है, हाँ जी हाँ जी, कंप्यूटर वहाँ पर जाता है, सारी दुनिया में वेबसाइट फैली हुई है, कहीं दुनिया की किसी भी कोने में बैठ करके निकालू, बाबा बांबे वालों की याद बहुत तेज है, तेरा जो जम्मू वालों की समझ, नाम काम के आधार पर पड़ता है कि ऐसे ही पड़ जाता है, काम के आधार पर नाम पड़ता है, नाम क्या पड़ा, बॉम्बे, ये बॉम्बे नाम किसके आधार पर पड़ा, शंकर का जो टाइटल है पाप हरने का, हर हर, उसके साथ कौन सा टाइटल जुड़ा हुआ है, बम बम, तो ज्ञान के बम कहो, शुरुआत तो ज्ञान के बम्बो से ही होती है ना, तो कहाँ के लोगों ने ज्यादा बम फोड़े होंगे, बम्बई के, बम्बई के लोगों ने ज्यादा बम फोड़े होंगे, और देखने में भी संगठन सबसे ज्यादा तीखा अभी कहाँ का नजर आ रहा है, बॉम्बे का, बॉम्बे वालों का संगठन ज्यादा तीखा नजर आ रहा है, संयत्री की औलाद होंगे तो तीसरा मित्र पावरफुल होगा या कमजोर होगा, पावरफुल, पावरफुल मित्र होगा, इसलिए अब जब वाणी में बता दिया बम्बई है स्थापना का ही, और नहीं नहीं दिल्ली है स्थापना का ही, और बम्बई है विनाश का ही, जो काम दुनिया में किसी ने न किया हो वो संगठन करके दिखाता है, तो काम के आधार पर नाम क्या पड़ गया, बम्बे, अभी लास्ट में उसका नाम क्या रख दिया, मुंबई, मुंबा देवी के नाम पर नाम रख दिया, मुंबई, बाबा तीन मेट्रो लोटन सिटी का नाम तो चेंज हो गया, तीन बड़े शहर थे उनके नाम चेंज कर दिए गए, दिल्ली का कब चेंज होगा, दिल्ली का दूसरा नाम है शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ, क्या धर्मराज ने कौन सी नगरी बताई, इंद्रप्रस्थ नगरी बताई, तो देखना पड़ेगा इंद्र कौन है, इंद्र कौन है, और इंद्र के द्वारा प्रकट रूपेण स्थिर की गई, साधारण रूप से स्थिर नहीं की गई, जब दुनिया में विनाश होगा, हिंदुस्तान में और शहरों का विनाश होगा, तो सबसे जास्ती विनाश लीला कौन से शहर में होगी, दिल्ली में होगी, कब्रिस्तान है, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन,
दिल्ली का जो वायुमंडल बनता है उसका असर सारे भारत के ऊपर पड़ता है। जैसे बाबा भारत चेतन में है, कोई पर्सनैलिटी ऐसे दिल्ली भी कोई चेतन में पर्सनैलिटी है? ये दिल्ली स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो कोई स्त्री होगी ना, है एक एक की दिल लेने वाली। कौन कौन पर्सनैलिटी है? एक एक की दिल कौन लेगी, ये किसको किसको बाप के ऊपर कितना नृत्य है, जगदम्बा माँ है जब परीक्षा लेगी तो एक एक की दिल लेगी कि नहीं, कितना नृत्य है और कितना अनिश्चय है। जो अनिश्चय वाले होंगे वो फट से धसर हो जाएंगे, और निश्चय बुद्धि होंगे वो तो मुकाबला करते रहेंगे करते रहेंगे। कोई कितना ही हिलाए है, दिल्ली को इथेरियम बनाना है। सबने तो दिल्ली को हिलाया डुलाया या इथेरियम बनाया, सब धर्म वालों ने दिल्ली को बहुत हिलाया डुलाया। बाप आकर के इथेरियम कर देते हैं, शक्ति की नैया है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दिल्ली कब्रस्तान बनेगी और दिल्ली परिस्तान बनेगी, रहेगी तब परिस्तान बनेगी कि खड़ा हो जाएगी तब परिस्तान बनेगी, रहेगी। तो पहले जड़ दिल्ली रहेगी बनेगी और बिगड़ेगी, ये पहले चेतन दिल्ली बनेगी और बिगड़ेगी? चेतन शुरुआत कहाँ से होगी? चेतन से ही शुरुआत। परिवर्तन पहले चेतन ही करता है या जड़ परिवर्तन करता है? चेतन ही परिवर्तन करता है। बाबा नो दो नाम तो दिल्ली के पड़ गए, अब तीसरा नाम भी कोई पड़ेगा नहीं? दो नाम माने अभी जो अरे इंद्रप्रस्थ, जब इंद्रप्रस्थ का नाम है तो इंद्र भी होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ नगर लिखाई, तो धर्मराज भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धर्मराज प्रत्यक्ष हो गया अभी, अभी हुआ नहीं। बाप अलग है और धर्मराज अलग है। धर्मराज मेरा राइट हैंड है, मैंने अलग है, मैं धर्मराज नहीं हूँ, मैं भैंसे पर सवार नहीं हूँ। भैंसा तो भैंस बुद्धि होता है, मैं भैंस बुद्धि में सवार होता हूँ, जानवर में सवार होता हूँ, बैल में सवार होता हूँ, भैंसे में, घोड़े में सवार होता हूँ, कछुए में सवार होता हूँ या मनुष्य में सवार होता हूँ। बाबा कहते हैं ना आठ में बदंती बहन आएगी, वो तो है बदंती बहन आठ में आएगी, अब तुम आ गया। जिसका आप नाम ले रहे हैं वो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? चंद्रवंशी के जो परिवार वाले भांति होंगे उनको पता, उनकी बड़ी स्टेज होगी या सूर्यवंशी की स्टेज ऊंची होगी? सूर्यवंशी ऊंची स्टेज होगी। तो जिनकी ऊंची स्टेज होगी वो अष्ट की लिस्ट में आवेंगे या चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्धिवंशियों में से आवेंगे? सूर्यवंशी नाम ही तब पड़ता है जो एक सूर्य से पढ़ाई पढ़ने वाले हो, सूर्य से प्रभावित होने वाले हो। चंद्रमा से भी प्रभावित होने वाले नहीं, नहीं। बाबा जब राम राज शुरू होता है तो ये बाबा के बच्चों की कंचन काया उससे पहले बन जाती है या बाद में बनती है? राज्य पहले शुरू होगा, राज्य का संगठन पहले बनेगा या प्रकृति के पांच तत्व माने काया, पांच तत्व से बनती है ना, वो पहले कंचन बनेगी। राज्य का संगठित होना बुद्धि से कनेक्टेड है या देह से कनेक्टेड है? बुद्धि से कनेक्टेड है राज्य का संगठित होना। जो देह है वो तो पांच तत्वों से बनी हुई देह है और वो पांच तत्व तभी
पावरफुल और तत्व प्रधान बनेंगे जब सारा आत्माओं का जो भी आत्मिक स्थिति में रहने वालों का हुजूम है वो संगठित हो जाए। वो 100,000 का पावरफुल संगठन जो है वाइब्रेशन वो प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन स्थिर करेगा, प्रास्तिक बनाएगा। इसलिए प्रकृति को तो 500 करोड़ की दुनिया का विनाश होने का दत्तांत उन्नति करना है। क्या 2036 तक एटम बमों के विस्फोट और भूकंपों के विस्फोट होते रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? होते रहेंगे। 5 तत्व पूरे ही विकराल रूप धारण कर लें तब फिर तत्व प्रधानता की शुरुआत होगी। पूरी क्रांति फिर शांति फिर पूरी शांति। तो पहले आत्माएं तत्व प्रधान बनेंगी या प्रकृति के 5 तत्व तत्व प्रधान बनेंगे? आत्माएं पहले तत्व प्रधान बनेंगी। रुद्रमाला विजय माला में तब सिरोही जाएगी जब रुद्रमाला के मणके जो है दुमुहे होना बंद कर दें। सारे एक मुंह वाले हैं है? रुद्रमाला के मणके अनेक मुंह वाले हैं, ये सारे ही एक मुंह वाले सारे ही अनेक मुंह वाले है। तो एक अकेला चना बाढ़ बोलेगा? अकेला चना परिवर्तन लाएगा क्या? संगठन चाहिए या नहीं चाहिए? शास्त्रों में भी लिखा संघो शक्ति कलौ युगे, संगठन में कलयुग में शक्ति होती है। भगवान में भी शक्ति नहीं है, भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक संगठन तैयार न हो। और वो संगठन बनता है प्योरिटी से, एक की प्योरिटी से कुछ नहीं होने वाला। और एक की प्योरिटी तो प्योरिटी कहीं भी नहीं जाती, नहीं तो सन्यासी अकेले जंगल में चले जाते हैं गढ़वाली को छोड़ करके, फिर प्योरिटी वाले बन जाते हैं क्या? बन ही नहीं सकते। प्योरिटी तो सच्ची कहीं ही सब जाती है, जब दोनों इकट्ठे हो तब सच्ची प्योरिटी। दूर बाज घुस बाज हो गए तो प्योरिटी कहेगी? बोलो बोलो। हाँ गंगा ऐसे देश में आती है जहाँ मगरमच्छों का देश है। इतनी मछलियाँ होती है ना, जाति जाति की छोटी बड़ी मछलियाँ होती है ना, उनका स्वभाव ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, थप कर जाती है। तो मछलियों में बड़ा माछला भी कोई होता होगा है? उसका नाम क्या है? मगरमच्छ। मगध देश में होता है, जो रामकृष्ण की जन्मभूमि बताई जाती है। सागर में सबसे ज्यादा मछलियां होती है ना, होती है होती है। तो सागर की मछलियों को, सागर को हप करने वाला किसको दिखाया है? वो तो अगस्त बन गया है, अगस्त के वो जो क्रमश पक्षी थे वो एक बूंद सागर से उठाते थे और जमीन में डालते थे, क्योंकि उनके बच्चों को सागर बार बार बहा ले जाता था। तो फिर उनको क्रोध आ गया क्या कि हम जब तक जीवन है तब तक हम इस सागर को सुखा के छोड़ेंगे। एक बूंद उठाना और जमीन में डालना, एक बूंद उठाना और जमीन में डालना। एक कृत्य एक ऋषि ने देख लिया, देखता रहा खरो तो अपना काम छोड़ने वाले नहीं, भूख प्यास
सब पड़े तो उनको दया आ गई। किसके ऊपर? उन पक्षियों के ऊपर दया आ गई और उन्होंने सारा सागर उठा करके पी लिया। तो कथा बना दी। वास्तव में सारा ज्ञान सागर उठा के पीने वाला गायन जो है कितना है? अगस्त ऋषि कौन हुआ जो सारा सागर ज्ञान सागर को पी तो जाता है लेकिन जब छोड़ता है तो सारा सागर मीठा होता है या खारा हो जाता है? खारा हो जाता है। खारा हो जाता है। पानी में नमक मिला दो ढेर सारा, जैसे सागर में नमक नमकीन पानी होता है और फिर उसको पियो मुंह बढ़िया हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, हरू हो जाएगा, है कड़वा हो जाएगा। तो अभी जो एडवांस नारी में निकल रही है वो पी के निश्चय बुद्धि बन रहे हैं, ये कड़वे मुंह वाले बनते जा रहे हैं। कड़वा मुंह होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कड़वा मुंह हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सारा सागर जो पिया है वो सारा का सागर, सारा सागर जो है वो पुरुष मुख से निकल रहा है। क्या पुरुष मुख? जो भी पुरुष है सब क्या है? दुर्योधन दुशासन। इसलिए काय से निकलना चाहिए वो ज्ञान जल, गौ मुख से निकलना चाहिए, गैया निकलनी चाहिए, चाहे वो मिले वाला की है नो और चाहे वो काम धेनु हो, उनके मुख से जब ज्ञान निकलेगा और चाहे वो ज्ञान गंगा हो तो सारी सृष्टि का कल्याण होगा। और कोई कहे अच्छा हमने पिएंगे आपसे क्या? तो सारी दुनिया में दूषित जल मिल रहा है या शुद्ध जल मिल रहा है? आजकल तो बिजली जो होटल मिलती है बिजली वाटर की, उसका भी ये हाल है कि बच्चे आजकल वो बोतलें बेच रहे हैं, वो बोतलें इकट्ठी कर लेते हैं खाली और नल में जाके भर लेते हैं, पीते भी जाते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, ऊपर से टाइट कर दिया टैप से और बेच देते हैं। पता ही नहीं लगता कौन सा बिजली वाटर है और कौन सा अशुद्ध जल है। तो सारी दुनिया की मुंह में जो जल जा रहा है वो अशुद्ध जल जा रहा है या शुद्ध जा रहा है? सबको तो इतनी ताकत नहीं है नील चीर विवेक की, ऐसा अलग अलग हंस क्या करता है? दूध दूध ग्रहण करता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो ऐसे ही जो भी वाणी पुरुषों के मुख से निकलती है उस वाणी में गलत फहमियां पैदा होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। गलत फहमियां पैदा हो रही और गलत फहमी पैदा होगी ज्ञान उल्टा हो जाएगा या सुलटा रहेगा? उल्टा हो जाएगा। इसलिए कन्याएं माताएं निमित्त बनी हुई हैं, उनके मुख से जो ज्ञान जल निकलेगा और उसको धारण करने वाले से धारण करेंगे तो वो कान गंगाएं जो है वो निमित्त बन जाएंगी, स्वर्ग का गेट खोल देंगे। बाबा मुरली बोला एक से सुनना है, मुरली में तो बोला एक से सुनना है, एक से सुनना, फिर वो दूसरे भी हो जाएंगे जब माता आएगी। अर्धनारीश्वर को एक कहेंगे या दो कहेंगे? शिव है उसने शक्ति कमाई हुई है या नहीं कमाई हुई? कमाई हुई है, लेकिन कब? जब कंबाइंड हो जाए तब या कंबाइंड होने से पहले? तो अभी कंबाइंड हो गए? नहीं, कंबाइंड तो नहीं हुए, लेकिन प्यासे भी तो नहीं रह सकते, रह सकते हैं? प्यासे भी नहीं रह सकते। ओम ओम।